चले गए कि राहुल जी जो है कोई काम नहीं कर पाए, उनको कोई जानकारी भी नहीं है और कोई काम भी नहीं कर पाए। अगर वो चाहते तो 2004 से लेकर 14 तक जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो यहाँ के जो है सांसद थे, चाहते तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ बंद थी, चाहे वो उषा इंडस्ट्रीज रही हो, चाहे मालविका रही हो, चाहे एक जो है सम्राट साइकिल फैक्ट्री थी, इसमें से एक भी फैक्ट्री अगर वो चलवा दिए होते तो उसमें निश्चित रूप से 4-6 हज़ार लोगों का, अमेठी के लोगों का रोज़गार मिला होता, 10-5 हज़ार रुपये वो कमा रहे होते, उनका परिवार आज चल रहा होता। वो कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए वह जो है यहाँ से चले गए। राहुल गांधी जी जो है के विचार को और उनके दिमाग को कोई पा नहीं सकता। वो विदेशी नागरिकता लिए हुए हैं और जो विदेशी मैन है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी जी कहाँ से कब ना चुनाव लड़ जाए। जनता क्या सोच रही, जनता को उनको अमेठी से ही लड़ना चाहिए, उनका पुराना संसदीय क्षेत्र है। वो रायबरेली पहुँच गया, क्या सोच के पहुँचे, सोच पाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर क्यों चले गए, क्या राय है आपकी? राहुल गांधी का जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो उसको मान लीजिए राहुल गांधी ही है, क्योंकि गांधी परिवार का जो है पारिवारिक रिश्ता उसका एक प्रतिनिधि के रूप में 40 साल से सेवा कर रहा है और इस बात को अमेठी उनका घर है, परिवार है, मानते हैं। और प्रियंका जी, आप उस समय मीटिंग में थे जो कांग्रेस गौरीगंज कार्यालय से ले कलेक्टर जो भीड़ थी, आपने देखा होगा, एहसास किया होगा कि कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी की पार्टी के लोग जो है, तमाम गठबंधन के लोग जो है इतने अच्छे ढंग से जो है उत्सव करते हुए जाके श्री केसरीलाल शर्मा जी का नामांकन कराया। इस बात को एहसास हो गया होगा कि देश या अमेठी की जनता गांधी परिवार के प्रति कितनी समर्पित है। और आप देखेंगे 20 तारीख जब वोट होगा, ये गठबंधन के लोग मिलकर जो है एक ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, निश्चित रूप से जो है गांधी परिवार की जीत सुनिश्चित होगी। ये लोकतंत्र है हमारा, जो भारत है लोकतांत्रिक देश है, हमारे कई बार सांसद राहुल गांधी रह चुके हैं, राष्ट्रीय नेता है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। विपक्षियों का तो काम ही है अनर्गल बातें करना, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी का ये फंडा ये कि अगर कोई दूसरा आता है उसकी कमी ढूंढना, अपनी खुद कमी नहीं देखते, खुद ही वो अपने आप जो है झूठे हैं। और हर आदमी को, चाहे राहुल जी हो या कोई भी नेता हो, अपने किसी भी क्षेत्र से वो लड़ सकता है इंडिया के, ये कहीं बैन नहीं है, ये सिर्फ जुमला है। राहुल जी वायनाड से भी लड़ चुके, वहाँ से भी जीते, ये अमेठी तो उनका पैतृक गढ़ है, तो वहाँ से लड़ने में ये कोई नई बात नहीं है, ना अतिशयोक्ति है, जनता इसको कतई नहीं मानेगी और उनको भारी बहुमत से जिताएगी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर क्यों चले गए, क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी कहते थे अमेठी परिवार है, अमेठी परिवार है, अमेठी परिवार है। अमेठी ने उनको उनके खानदान को और उनको यहाँ से कई दशकों से सांसद बनाए रखा, उनके राजनीतिक वर्चस्व को कायम किए रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब भी मौका लगा तो वो अमेठी के साथ नहीं खड़े थे। विगत पिछले दशक से स्मृति ईरानी जी यहाँ पर एक प्रत्याशी के रूप में आई, एक बाहरी के रूप में लोग उनको कह रहे थे, लेकिन वहाँ यहाँ पर आ करके उन्होंने अपनत्व की जो राजनीति थी, परिवार की जो राजनीति थी, उसको सिद्ध किया है। और इसलिए वो पिछली बार 2014 के चुनाव में हार गई थी और कम अंतर से हार गई थी, और 2019 में जब वो चुनाव जीती तो उन्होंने अपने किए गए वादों के अनुसार यहाँ पर घर बनाया, विकास की गंगा बहाई, चाहे आप जाम की समस्या से ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मामला हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे हर घर जल की व्यवस्था हो, चाहे कृषि खाद के लिए रैक पॉइंट हो, चाहे सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती हो, उससे निजात दिलाने का काम किया है। तो राहुल गांधी ये समझ गए थे कि उन्होंने विकास का काम उतना किया नहीं था, उनको हारना निश्चित था, इसलिए वो आना चाहिए। देखिए, उनको वहाँ से हटना नहीं चाहिए था क्योंकि उनका वो सीट था, ठीक है। राहुल गांधी चाहे सोनिया गांधी, वो अपने ही सीट से रायबरेली अमेठी से ही जाने जाते थे। वहाँ से हटकर उन्होंने एक समाज में, देश में अलग मैसेज दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है इस बार की 400 पार, तो उनका हटने का मतलब कहीं ना कहीं भी तय हो गया है कि 400 पार अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे पर वो वहाँ से भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रायबरेली से वो का चुनाव लड़ने का ये मकसद है, अपनी माँ की विरासत को देखते हुए वहाँ को, उस डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने चुना हुआ है, लेकिन वो कभी उत्तर प्रदेश के वो कभी नहीं होंगे।
वो जब भी होंगे तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के होंगे, चाहे वो कर्नाटक का वो जो वायनाड जगह रहा हो या कोई भी अदर जगह, वो हमेशा मुस्लिम ही क्षेत्र को चुनेंगे क्योंकि उसी लिए वो जाने जाते हैं। देश के नेता है वो कुवैत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, और ये आज़ादी भी है संविधान में, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अमेठी भी उनका घर है और रायबरेली भी उनका घर, अगर वो अमेठी से नहीं लड़ करके रायबरेली में लड़ रहे हैं, उनकी माता की सीट है, भावनात्मक जुड़ाव है, इसलिए वो माँ की सीट से लड़ रहे हैं। और अमेठी से भी उनका प्रत्याशी उतर, डर अगर भय होता तो उनका प्रत्याशी न होता। उनको पता था कि विकास जो अमेठी में हुआ है उसको उनके आजा परपाजा चाचा दादा पापा नहीं कर पाए, इसलिए वो अमेठी से छोड़कर चले गए। विकास की गंगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर उतारी वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, और उनको ये पता है कि चुनाव हम हारने जा रहे थे, इसी नाते वो भाग गए। अब ये है कि वो अमेठी से लड़ते थे, उनकी सीट थी, अब उस सीट को छोड़ रहे हैं तो पार्टी का स्वाभाविक है, वो तो कहेंगे कि भाई छोड़ के भाग रहे हैं। और दूसरी बात, उनकी जो प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी है वो बराबर उनको जो है कह रही है कि आप जो आइए लड़िए चुनाव यहाँ से, अब उसको भाग रहे हैं तो उनका तो कहना स्वाभाविक, वो कहेंगे सब लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, और अगर उनको लड़ना ही था तो यहाँ से लड़ना चाहिए था, अमेठी से तो समझ नहीं आता कुछ। राहुल गांधी अमेठी छोड़ कर क्यों चले गए, क्या रहा है? देखिए माननीय राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये कि अमेठी छोड़, जो अमेठी को कहते थे कि मेरा अमेठी परिवार है, मेरा अमेठी गढ़ है, उसको अमेठी की जनता के ऊपर उनका विश्वास नहीं है और ना वो कभी विश्वास करते थे। जब भी आते थे वो अमेठी के 2004 से लेकर के 2019 के बीच में सांसद रहे हैं, वो जब भी आते थे इसी काली सड़क से आते थे, काली सड़क पर हलो टाटा करके चले जाते थे। अमेठी के जनता के ना तो दुख में या कभी शामिल शरीक हुए, ना कभी सुख में आए, ना कभी किसी प्रकार का कोई इनवाद नहीं किया, और ना सांसद रहते हुए अमेठी क्षेत्र का कोई विकास किया, इसलिए वो अमेठी की जनता ने 2019 में उनको चुनाव हरा करके भेज दिया, वायनाड चले गए। इस कारण से वो जो है वो जानते हैं कि अमेठी की जनता जो है मुझे पुनः चुनाव हरा देगी, इसलिए वो रायबरेली से ही चुनाव लड़ना उनको मुताबिक उन्होंने समझा। अमेठी छोड़ के राहुल गांधी कहीं भागे नहीं हैं, वो अपनों के बीच में ही हैं और हमेशा रहेंगे। और रही बात भागने की, तो जो अदर पार्टी है जो बताती भागे हैं, वो उनका घर रहा है, उनका परिवार है अमेठी, और उनकी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो उनकी सीट है रायबरेली, उनकी माता जी की सीट थी, तो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से उनके साथ के जो चाचा जी हैं केल शर्मा जी, उनको दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो दिखाना चाहते हैं अमेठी जनता को कि अमेठी जनता कितना प्यार करती है उनको, कि उनके साथ जो चाचा जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव निकालेंगे यहाँ अमेठी से, बहुत अच्छी जीत जीतेंगे, इसमें भागने की कोई बात नहीं हुई है। और जो परिवार से इतना राहुल गांधी बताएं, कोई डरना नहीं चाहिए, डरे नहीं हैं, भागे भी नहीं हैं, और अमेठी से नाता बना हुआ है उनका, और जिसको लड़ा रहे हैं शर्मा जी को, वो चुनाव अच्छे होकर जीतेंगे। कि उनका ये काम ही ऐसा है कि लोग कहेंगे ही कि कमेटी से भागे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे, इसके बाद वो पूरे 5 साल गायब रहे हैं, वहाँ कोई काम किया नहीं है। और जो स्मृति ईरानी जो वर्तमान में बीजेपी की प्रत्याशी है, अब पूरे 5 साल उन्होंने वहाँ रह के काम किया है, तो जो आदमी काम करेगा निश्चित रूप से पब्लिक उसको चाहेगी, जो नहीं क्षेत्र में रहेगा तो उसको पब्लिक नकारेगी। इस बात का उन्होंने अपने जो भी सूत्र हैं अपनी इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से जानकारी कर ली होगी कि यहाँ पर पूरी तरह से हारना निश्चित है, इसीलिए अमेठी छोड़कर वो रायबरेली चले गए। जी ये आप लोग की सोच है कि वो भागे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी माँ के आदेश से जो उनकी माँ ने उनको आदेश दिया है, और जैसे कि स्मृति ईरानी बड़े दावे से कह रही हैं कि वो 15 रुपये किलो चीनी और 400 रुपये का सिलेंडर देंगी, तो इस बार वो अमेठी को दें, इस बार वो जो कह रही हैं इतने दावे से वो करके दिखाएं। और जैसे कि सभी के बीच 19 बार कांग्रेस रही है अमेठी से और 2 बार बीजेपी रही है, इस बार उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को ही उतारा है, कोई वो भागी नहीं है, और उन्होंने इस बार अपनी माँ के आदेश से रायबरेली से वह लड़ने जा रहे हैं, जो कि एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने जो निर्णय लिया है वो हम सबके हित में ही होगा, और वह अपनी अपने हिसाब से बहुत अच्छा आगे कर पाए। अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव आगे क्या कहना चाहिए?
नहीं, अमेठी से बिल्कुल चुनाव राहुल गांधी जी नहीं भागे हैं। उनको एक कर्म भूमि मिली थी जो उनकी सोनिया गांधी जी ने कहा कि अबकी बार तुम राय जाए बरेली से लड़ो। तो जहां तक हमको न्यूज़ चैनल में देखने को आया कि जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, प्रियंका गांधी हैं, कई लोग अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे हमारे, और इसको भी देखा मैंने, प्रमोद तिवारी जी हैं और अजय राय जी हैं, कई लोग अमेठी से खुद चुनाव लड़ने को तैयार थे। तो और राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव फाइट करने को एकदम रेडी थे, जहां तक हमको न्यूज़ आ रही थी, बराबर न्यूज़ आ रही थी कि अमेठी से चुनाव वो फाइट करेंगे। मगर सोनिया गांधी जी ने उनको ये सौंपा, और राहुल गांधी जी ने का भी कल मैंने स्टेटमेंट सुना कि मेरी मदर ने हमको अपनी कर्म भूमि सौंपी है बहुत जिम्मेदारी के साथ। तो वो रायबरेली से चुनाव फाइट कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का जो राजीव गांधी के संग लगे हुए थे 30 साल से पुराने शर्मा जी, उनको जिम्मेदारी दी गई कि जो पार्टी के संग जुड़ा है उसको भी एक बार अवसर मिले। उसने राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक को चुनाव फाइट कराया, उनको सारी कुछ नॉलेज जरूर है पूरे अमेठी के बारे में, एक एक जन जन उनको जानता है। तो उनको भी एक बार सेवा का मौका जरूर मिलना चाहिए और हर कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी जी राय बरेली से चुनाव फाइट करेंगे। अब की बार वो अमेठी से भी चुनाव फाइट करते तो बहुत अच्छे मतों से विजयी होते। ये तो पहले से गांधी परिवार में चला आ रहा है कि गांधी परिवार का जो नेता जिस सीट से हार जाता है वो उसकी तरफ दोबारा फिर निगाह नहीं रखता। ये इंदिरा गांधी व अन्य जो उनके शीर्षस्थ नेता रहे हैं तभी से ये चला आ रहा है, वही पर पार्टी राहुल गांधी ने अपनाई है। लेकिन जनता जो आजकल वहाँ की जनता का जो देखा जा रहा है वो ये महसूस कर रही है कि राहुल गांधी यहाँ से पलायन कर गए हैं। और वायनाड सीट से इस बार ज़बरदस्त कंटेस्ट है, जिससे वो वायनाड जब तक वहाँ का इलेक्शन नहीं हो गया तब तक उन्होंने कोई सीट अपनी डिक्लेयर नहीं की थी कि दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है राहुल गांधी मतलब वायनाड सीट का जब चुनाव वोटिंग हो गई तब यहाँ से बड़ा ही मंथन करके और बड़ा ही वहाँ की सब जगह सर्वे करा कर उन्होंने ये सोचा कि माता जी की सीट जो है अभी ग्रिप में आ सकती है, तो रायबरेली की सीट से वो चुनाव नामांकन किया है, जिससे जो है राहुल गांधी का जनता यही देख रही है कि पलायनवादी नेता है और रायबरेली में भी अच्छा कंटेस्ट है। परिवारवाद की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले और क्या कर सकते हैं, अभी वो अमेठी से भागे हैं, फिर आने वाले समय में पूरे देश से भागेंगे, उनका भागना निश्चित है। जो परिवारवाद की राजनीति करेगा, जो तुष्टिकरण की राजनीति करेगा, देश की जनता ऐसे ही उसके साथ करेगी। अगर वो चुनाव वहाँ से लड़ते तो भी हार जाते हैं, जहाँ से लड़े वहाँ से भी हार जाएं, क्योंकि उनका काला मुखौटा देश की जनता के सामने आ चुका है। हार जाएंगे क्या काम किए हैं, तुष्टिकरण करने के सिवा क्या काम किए हैं, परिवारवाद को महत्व बढ़ावा देने के सिवा क्या कार्य किए हैं। इसके पहले भी दो युवा लड़के मिले थे, क्या कर लिए, और अब भी मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। देश की जनता विकास को महत्व दे रही है और विकास जिसके शासनकाल में हो रहा है लोग देख रहे हैं और सपोर्ट उसी को करेंगे। एनडीए गठबंधन इस बार 400 से ज़्यादा सीट लाई, यहाँ तक मानना। इस समय का जो चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी जो गतिविधियाँ हैं उसमें जो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी अपनी प्रतिभाओं से लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी वायनाड से चुनाव लड़ा और रायबरेली से जो उनकी माँ सांसद हुआ करती थी, माँ के न लड़ने पर जो रायबरेली की जनता बड़ा खेद व्यक्त कर रही थी, तो माँ के चुनाव न लड़ने के एवज में राहुल गांधी रायबरेली की जनता को शांति और सांत्वना और अपनापन रखाने के लिए, वो जनता को बोध दिलाने के लिए अपनी पैतृक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली उनका एक गढ़ रहा है, वहाँ से उनके पिता भी चुनाव लड़े, उनकी दादी भी चुनाव लड़ी और माँ भी चुनाव लड़ी। इस कंडीशन में अगर वो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बहुत ही रायबरेली की जनता को आघात पहुँचता, इसलिए उन्होंने इस लोकतंत्र में
रायबरेली से अपना चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। विपक्षियों का जो ये कहना है ये गलत है। अमेठी भी उनकी है लेकिन वो तीन जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एक ही जगह की जनता को संतुष्ट कर सकते हैं। कभी न उन्होंने अमेठी लड़ने से इनकार किया है। वायनाड से लड़ने के कारण उन्होंने अमेठी में निष्क्रियता की भूमिका निभाई थी, इसलिए बीजेपी के सांसद किस्मत ईरानी जीत गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी वहाँ से भागे हुए हैं। राहुल गांधी के पूरे परिवार ने अमेठी और रायबरेली की जनता को जो प्यार इसने दिया है वो बीजेपी की कोई भी नेता नहीं दे सकता है, केवल उनको ठग सकता है, ऐसा अमेठी की जनता भी महसूस कर रही है। इस प्रकार उनका बीजेपी वालों का यह कहना निराधार है, बेबुनियाद है और उनकी गलत सोच को प्रदर्शित करता है। अरे उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए था, हार जीत तो लगा ही रहता है, भागने से पहले ही उन्होंने इसका मतलब निर्णय लिया कि मैं हार जाऊंगा। उनको वहाँ जा के देखना चाहिए था, लड़ना चाहिए था और पब्लिक का मत देखना चाहिए था कि हमारे पक्ष में है कि किसके पक्ष में है, पहले हार नहीं मानना चाहिए था। क्या लगता है अब लगता है और चुनाव लड़ेंगे क्या लगता है? कहीं और लड़ेंगे तो अब देखा जाएगा भाई वहाँ से क्या उनका पोजिशन रहता है। और यहाँ से अगर वो रहते भाई इनका पुश्तैनी वो था गढ़ था गांधी परिवार का, यहाँ से सिर्फ भाई भविष्य को जानता नहीं क्या होता क्या नहीं, मगर इनको लड़ना चाहिए था वहाँ से। उनको उनका अमेठी मतलब वो प्रसिद्ध है अमेठी के नाम से, अगर वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनको संदेह है कि कहीं हम हार तो नहीं रहे हैं या हमारी स्थिति ख़राब है, इसलिए वो वहाँ से भागना चाहते हैं। और राहुल गांधी को जो है सब अब जान चुके हैं, इसलिए अब उनका बेकार है चुनाव लड़ना। लेकिन यहाँ पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ने का कोई मतलब नहीं है उनका। अब वो कहीं से भी लड़ेंगे उनकी जीत मुश्किल है, वो कहीं से भी सांसद नहीं बन पाएंगे।